हड़ताल की। आरईओ सड़क इन दिनों काफी जर्जर हो चुकी है और ये सड़क NH 32 को जोड़ती है। 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। जर्जर हो गई काशीडीह बंगाल की आरईओ सड़क। NH 32 को जोड़ती है ये सड़क। 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगते हैं घंटों। 2008 में किया गया था सड़क का निर्माण। कोई वाहन नहीं चलाना चाहता सड़क पर। इस सड़क को 2008 में बनाया गया था, इसलिए ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। हाल ये है कि कोई वाहन इस पर नहीं चलाना चाहता। प्लेन रोड नहीं रहने के कारण उखड़ खाबड़ रोड से जब भी हम लोग को शाम हो जाता है तो गिर जाना पड़ता है। सरकारी गाड़ी कोनो सामान आता है तो वो भी वहीं से ब्रेक खराब हो जाता है। और प्राइवेट टेम्पू वगैरह को लाने के लिए 300 रुपया भी दीजिए 50 के जगह पर, लेकिन वो नहीं आएगा। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। जाते जाते रास्ता तो बहुत ख़राब है, आप लोग देख आ रहे हैं। बहुत परेशानी होता है जाने आने के लिए। ऊपर से रास्ता भी ख़राब है और रास्ता पूरा पत्थर उत्थर हो गया है। अगर गिरते भी है तो बहुत ज़्यादा चोट उट लग जाता है। और साइकिल तो टूटता ही है, सप्ताह में एक बार साइकिल टूटता है, पंचर होता है। बहुत रास्ता खराब है, मिट्टी है। ये कम से कम 1.5 घंटा पहले यहाँ से कुरा तक जाने के लिए, उसके बाद तो रास्ता ठीक रहना चाहिए। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए कई पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए, कई नेताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम लोग आना जाना करते हैं, देखिए साइकिल गाड़ी से आना जाना करते हैं, बहुत तकलीफ। कोई ऑटो, कोनो लेडीज़ को लेके जाते हैं, कोनो भाड़ा गाड़ी ही करते हैं, तो भी रिजर्व नहीं आने खोजता है इस रास्ता के चलते। एक ही बात है, विधायक सांसद बहुत बार जीते, कोई कुछ काम नहीं करता है। सांसद पशुपतिनाथ है जैसे, हम लोग तो बोलता है देहात से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग रोड एकदम मना, आना जाने में बहुत दिक्कत हो गया सब। पूरा एकदम जो बनाया था ना सर, एकदम पतला बना दिया था, एकदम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया रोड। रोड बना था करीब आज हो गया 7-8 साल हो गया, 7-8 साल में एकदम खत्म हो गया। सड़क जर्जर है, इससे उन दिनों में तकलीफें बढ़ जाती है जब कोई बीमार पड़ जाता है, तब कोई वाहन बीमार को अस्पताल तक नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसे में इस सड़क की अहमियत सबसे ज्यादा हो जाती है। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।